नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका। सीयूटी का जो सेशन चल रहा है हमारा करंट अफेयर्स का, और जैसा मैंने आपको पहले दो वीडियो में बताया कि पहला और दूसरा जनवरी का जो सप्ताह है, उस सप्ताह में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, उन क्वेश्चंस के साथ वो मैंने वीडियो आपके सामने पेश किया। आज जनवरी के थर्ड वीक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो आपके सामने हैं। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग तरीके की क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चंस हैं, किन इनके आंसर क्या होंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एनीवे, बिना समय गवाए हम लोग काम करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2022। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अरुणाश गौर सिंधु, करोलिना बिलावस्का, आराबुनी गैब्रियल और एंड्रिया मर्काया। देखिए, आपको पता है कि लास्ट लास्ट टाइम अरुणाश गौर सिंधु को जो है मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, लेकिन 2022 में, ठीक है, 71वीं जो मिस यूनिवर्स बनी है, ठीक है, उस मिस यूनिवर्स का जो नाम है, उनका नाम है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, तो इनको जो ताज पहनाया गया वो हमारे यहाँ की हना सिंधु ने ही पहनाया। और अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो ये प्रतियोगिता जो आयोजित की गई वो मैक्सिको में आयोजित की गई, तो ये अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिको में ये जो है आयोजित की गई। और अगर हम आर बोनी गैब्रियल के बारे में देखें तो ये एक फैशन डिजाइनर है। ठीक है, हो सकता है कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये इस पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे सामने है, वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 17 जनवरी 2023। ठीक है, तो G20 की इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? क्या बेंगलुरु, क्या नागपुर, क्या न्यू दिल्ली, या पुणे? आपको चार ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन चूज करना है वो सही ऑप्शन का जो है क्रम है वो है डी। ठीक है, पुणे में जो है ये G20 की बैठक जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई, आप सब सारे लोगों को पता है कि G20 उभरती हुई अर्थव्यवस्था का जो है ग्रुप है, और भारत को इस बार मेजबानी मिली है। तो अलग अलग समस्याओं को लेकर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं एनवायरमेंट को लेकर हो, या जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट को लेकर हो, इन सारी चीजों पर जो इन विषयों पर जो बैठक की जाती है वो G20 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो ये जो बैठक हुई ये कहाँ पे हुई? पुणे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और G20 से ही मुझे याद आ गया कि G20 का जो आप कह सकते हो जो थीम है इस बार की, जो इंडिया रखी है वो क्या है? वो है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो इसको भी अपने दिमाग में आप जो है ले आइएगा। और ये कहाँ से? इंडोनेशिया से मेजबानी हमको मिली है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है वो पुणे में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वेयर विल द 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिन ऑन 16th जनवरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि नाम से ही हमें लगता है इकोनॉमिक फोरम तो है, लेकिन ये विश्व की जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी प्रॉब्लम्स में रशिया यूक्रेन वॉर वाली चल रही है, ठीक है, इकोनॉमिक क्रंच को लेकर चल रही है कि हर देश की जो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अब ये बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को कैसे रोका जाए, या जो है सप्लाई चेन की तरफ से जो फूड सप्लाई चेन है वो बाधित हो रही है, तो इन सारी जो है विश्व की जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट समस्याएं, इन समस्याओं को डिस्कस किया जाता है। और इसका जो 53rd एडिशन है वो आपका स्विट्जरलैंड में जो है आयोजित किया गया, डावोस में जनरली जो है क्या कहते हैं ये मीटिंग होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है तो स्विट्जरलैंड या डावोस अगर आपको दिखाई पड़े तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे हमेशा जो है क्या कहते हैं WEF की मीटिंग होती है। ठीक है, भारत ने इसमें जो है मेजबानी की, सॉरी पार्टिसिपेट किया, और अपनी तरह से जो है दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का एक सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि बाय व्हेन द एंटायर कंट्री विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। आप देख रहे हैं कि जो है वेदर का कितना जो है क्या कहते हैं प्रभाव आजकल पड़ रहा है, और वो भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है,
अब एडवर्स इफेक्ट में जैसे अभी की मैं बात करूँ तो काफी जो है कि कहते हैं बारिश वाला मौसम है, रेनी सीजन है, और ये रेनी सीजन की अगर हम बात करें तो ये हमारी जो रबी की क्रॉप है, इस रबी की क्रॉप के लिए बहुत बड़ा जो है खतरा है। ठीक है, भारतीय किसान हमेशा जो है मानसून से ही उसकी कृषि चलती रही है। खैर, तो डॉपलर वेदर रडार सिस्टम में जनरली क्या होगा कि आने वाले समय में जो मौसम का जो सटीक अनुमान है वो इसके द्वारा जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये किया गया है, ये प्रश्न यही पूछा गया है कि डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष को कितने जो है कितने जो है साल में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है 2025। ठीक है, 2025 यहाँ पर 24 के, ये 2025 पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम डॉपलर मौसम रडार के बारे में देखें तो 2013 में इनकी संख्या सिर्फ 15 थी। ठीक है, और इसके अलावा आने वाले वर्षों में इनकी संख्या जो है बढ़ाकर 25 हो गई, और आगे ये कहा गया है कि जितने भी शहर हैं और जितने भी स्टेट हैं उनमें भी इस तरह का जो है कंट्रोलिंग रडार सिस्टम जो है लगाया जाएगा, और लगभग 62 जो है इन रडार सिस्टम का जो है इंस्टॉलेशन किया। एनीवे, तो 2025 तक हम पूरी तरह से कंट्री को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जो है लैस कर देंगे ताकि जो मौसम का की जानकारी है वो अच्छे से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है वो सही है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंडियन प्लेयर वॉन द बैंकॉक ओपन टाइटल इन नोथनबुरी थाईलैंड ऑन 15 जनवरी 2023। अब आप यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और इस जो है कि तक इस चीज का आपको ऑप्शन बनाना, सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। आर एन रवि एंड शिया, मिया एंड जिग्नेश खोकल, राजू पांडे एंड उमेश लाल, यूकी भामरे एंड साकेत माइनी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टीम मेड द बिगेस्ट न्यू रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट मैच। जो भी बच्चे क्रिकेट में, ज्यादातर आपकी एज में जितने भी बच्चे होते हैं क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं, इवन मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किस मैच में जो है दो टीमों के बीच में जो वनडे खेला गया उसमें 317 रन की जीत से एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। और न्यूजीलैंड एंड इंडिया, इंडिया ने अफगानिस्तान, इंडिया ने श्रीलंका, अफगानिस्तान ने श्रीलंका। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में, ये याद रखिएगा, ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, इसमें ये मैच खेला जा रहा था। ठीक है, ये वनडे मैच था, तीसरा वनडे मैच, तीसरे वनडे मैच का जो है आखिरी मैच था, और इसमें जो है इंडिया और श्रीलंका खेल रही थी, और इंडिया और श्रीलंका ने जो है क्या कहते हैं जो ये मैच खेला इसमें इंडिया ने श्रीलंका को 317 रन से हरा दिया, जो अभी तक का इंडिया के लिए और वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है क्या कहते हैं रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्ड जो है न्यूजीलैंड के नाम पे था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने आयरलैंड को जो है 290 रनों से हराया था। ठीक है, और अगर हम जो है क्या कहते हैं बात करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आती है कि भारत की बात करें तो भारत का जो पिछला रिकॉर्ड था वो 257 रन का। तो इंडिया, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो भारत ने रिकॉर्ड बनाया वो 317 नंबर का था, और इससे पहले जो भारत का रिकॉर्ड था वो कितने रनों का था, तो 257 रनों का था। ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट जो है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है। और ये 257 रन का जो हराया गया था ये बरमूडा के खिलाफ था। ठीक है, तो इसको आप भी ध्यान में रखिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आंसर सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू प्रमोट न्यू बिजनेस इन द कंट्री। 16 जनवरी, 17 जनवरी, 10 जनवरी या 14 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर है आपका 16 जनवरी। 16 जनवरी को जो स्टार्टअप डे है, अब स्टार्टअप एक स्कीम है। ठीक है, स्टार्टअप स्कीम की अगर हम बात करें तो ये स्कीम जो है क्या कहते हैं जो आप कह सकते हो जो आपका बिजनेस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये
जो है स्टार्टअप स्कीम बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर 15 जनवरी 2000, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, 2022 में जो है क्या कहते हैं पीएम ने जो है ये इंडोर्स किया था कि आने वाले समय से 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पहला स्टार्टअप डे कब मनाया गया, तो 2022 में मनाया गया। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ कि विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज एंड बेस्ट सॉन्ग अवार्ड एट द 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड सेरेमनी। ठीक है, तो KGF है, मिमी है, RRR है, बाहुबली 2 है। तो जाहिर सी बात है, इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है SS राजमौली के द्वारा बनाई गई पिक्चर RRR, और इसी को जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी सॉन्ग के लिए मिलता था, और इसी को जो है क्या कहते हैं ऑस्कर अवार्ड सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू के लिए मिला। ठीक है, तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द 21st एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज व्याम वरुण बिगेन ऑन 16th जनवरी 2023 बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखिए, वरुणा की अगर हम बात करें तो ये हमेशा इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो सही आंसर होगा वो इंडिया और फ्रांस ही होगा। ओके, ऑप्शन डी आपका सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंडिया और फ्रांस की देखिए एडिशनल जो है इंफॉर्मेशन में आपको बता दूं कि इंडिया और फ्रांस के बीच में ये जो बाइलेटरल जो है एक्सरसाइज शुरू हुई थी ना, बाइलेटरल एक्सरसाइज का मतलब होता है चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो डिफेंस में चाहे वो नेवी की हो, चाहे वो एयरफोर्स की हो या आर्मी की हो, ये बाइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज में की जो शुरुआत हुई इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये 1993 में हुई थी और इसका नाम वरुण दिया गया था बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द एयरफोर्स, दैट्स वाई व्योम वरुण इसको जो है कहा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, वेयर विल द फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग बी हेल्ड फ्रॉम 18th टू 20th जनवरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, G20 के स्वास्थ्य कार्य समूह की जो बैठक है वो तिरुवनंतपुरम में होगी, और तिरुवनंतपुरम आप कहाँ पे है, ये आपका केरला में। ठीक है, केरला की राजधानी आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि केरला की राजधानी क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिजनेस 20 नीतिगत सिफारिशों के लिए मीटिंग कहाँ पर होगी। आप देखिए, आपने G20 का कंसेप्ट तो देख ही लिया, इसी तरह से B20 का जो कंसेप्ट है, B20 का कंसेप्ट भी जो है G20 के पैरेलल ही लाया गया है ताकि बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो 20 ग्रुप्स का जो है जो देशों का जो समूह है इसमें हम बिजनेस को कैसे ग्रो करें, क्या अवसर लाएं, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए जो मीटिंग अरेंज की गई वो आपकी कहाँ की गई। आपके सामने ऑप्शन 4 है, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, गांधीनगर और अहमदाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गांधीनगर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो है क्या कहते हैं ये जो G20 की जो टोटल मतलब आप कह सकते हो मीटिंग होने वाली है, उन जो है 15 जो एक तरह से मीटिंग अलग अलग क्षेत्रों में होगी, उनमें से ये एक तरह से फर्स्ट टाइप की अपनी टाइप की जो है मीटिंग होगी कि जो है भारत की पहल से ये चीज शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाई गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, हु हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाई टाइपिंग 81 कॉपीज ऑफ बुक अपसाइड डाउन। ठीक है, मतलब 21 किताबों को उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो वो किसने बनाया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिशेल सेंटेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मिशेल सेंटेला ने जो ये जो काम किया है इसको मिरर टाइपिंग कहा जाता है, तो मिरर टाइपिंग के नाम से भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं उन्होंने जितने भी प्राचीन भाषाओं में जो आप कह सकते हो कि एंशियंट लिटरेचर लिखे गए उन पर भी बहुत सारा काम किया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, और इस स्लाइड में जो पहला क्वेश्चन आता है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिकॉर्डेड आफ्टर ईयर 1961 विच कंट्रीज पॉपुलेशन हैज सीन द बिगेस्ट डिक्लाइन, एंड द करेक्ट आंसर इज चाइना। और देखिए, भारत की पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें तो भारत की पॉपुलेशन का जो आंकड़ा बताया गया है वो 2023 में ही ये चाइना की पॉपुलेशन को हम लोग सरपास कर जाएंगे, ये पहले ही
का जो है एक आंकड़ा बता दिया गया है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि इंडिया की पॉपुलेशन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इंडिया चाइना से काफी छोटा है। एनीवे, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन आया वो है चाइना, और ये इतनी जो पॉपुलेशन में जो गिरावट आई है ये वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से आई है। हालांकि अब ये पॉलिसी जो है हटा दी गई है, ठीक है, और अभी हाल में ही जो है थोड़े दिन पहले ही शी जिनपिंग, मार्च में ही शी जिनपिंग जो है थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं, ये भी आपको पता है। और इसी के साथ साथ इनका हमेशा के लिए फॉर एवर टाइप का जो है जो प्रेसिडेंट बनने का जो एक सपना है वो पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो गिरावट दर्ज की गई है ये 1961 के बाद दर्ज की गई है, ये भी आपका एक क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है, मतलब इससे भी आपका एक नया क्वेश्चन बन सकता है। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि जल्लिकट्टू बुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जल्लिकट्टू के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में है। अभी इस पर जो है काफी कंट्रोवर्सी भी आ चुकी थी, कंट्रोवर्सी इसलिए आ चुकी थी क्या जो है क्या कहते हैं एनिमल्स के जो है कंजर्वेशन के लिए अगर हम कोई पहल निकालते हैं तो जल्लीकट्टू में आप जानते हैं कि एक बुल जो है फाइटिंग टाइप का ये होता है, तो इसके खिलाफ जो है क्या कहते हैं कई सारे जो एनिमल आप कह सकते हो कि कंजर्वेशन ग्रुप है, उन्होंने इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी लगाई थी कि भाई ये एनिमल प्रोटेक्शन के तहत जो है इन इस जल्लीकट्टू को बंद करना चाहिए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट के जो है के सब सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो है ये मामला डाल दिया है, तो देखते हैं आगे, अभी ये पेंडिंग मामला है तो क्या होता है। एनीवे, जल्लीकट्टू इज रिलेटेड टू द तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू कंट्रीज द फिफ्थ फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डायलॉग वॉज हेल्ड इन सियोल। सियोल सबसे पहले बात तो हम बता दें कहाँ की कैपिटल है, तो सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो जाहिर सी बात है आपको कैपिटल से भी अंदाजा लग जाएगा कि ये किन दो देशों के बीच में हुई है, और ये हुई आपकी इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न है कि विच इज द नेम ऑफ न्यू एक्सोप्लेनेट डिस्कवर्ड बाई नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। STS-107, TOI-700E, LHS-123B, LHS-47-475B। तो ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 475B, LHS। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हु वॉज द ओल्डेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड विच हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 118। ठीक है, तो ये जो ओल्डेस्ट वुमेन है इनका नाम है नन ल्यूसिस रेंडन। ठीक है, इससे पहले अगर हम आपको बता दें तो 2022 में दुनिया के जो सबसे लंबी उम्र के जो व्यक्ति थे जिनका नाम था के तनाका, ये जापान के रहने वाले थे, इनकी जो डेथ हुई है वो 119 साल की अवस्था में हुई है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं, 2023 में सबसे उम्रदराज जो व्यक्ति हैं उनकी डेथ हो गई, उनका क्या नाम है, या नाम देकर आपको पूछ लिया जा सकता है कि इन्होंने 2022 के किस व्यक्ति को सरपास किया है। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए हो गई। नेक्स्ट है, व्हेन विल द 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2023 लास्ट। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह 2023 कब से कब तक चलेगा। ठीक है, तो ये जो समारोह है आपको सबको पता है कि 26 जनवरी को जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ये 23 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि 23 जनवरी की अगर हम बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस की जो है कि कहते आपकी बर्थ एनिवर्सरी थी, और यहाँ से शुरू होकर ये चलेगा आपका 30 जनवरी तक, और 30 जनवरी को क्या है शहीद दिवस। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग स्लाइड की तरफ, और आगे जो स्लाइड है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर डबल सेंचुरी इन ODIs। विराट कोहली, शुभमन गिल, उमेश यादव और बाबर आजम। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो इन्होंने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है क्या कहते हैं ये जो हैदराबाद में है आपका यहाँ पर
149 बॉल्स पर 94 लगाए और 96 की मदद से जो है ये रिकॉर्ड कायम किया। और साथ साथ न्यूजीलैंड इसमें जो है विपक्ष में था और 12 रनों से हार गया। तो किस देश के मैच के खिलाफ ये लगाए गए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसके खिलाफ लगाए गए, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए गए। कितनी गेंदों में इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड बनाया, 149 गेंदों में जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट डिस्ट्रॉयर INS दिल्ली विजिटेड विच कंट्री। तो INS दिल्ली, ठीक है, ये जो हमारा जो है एक फ्रिगेट है, ये फ्रिगेट कहाँ पर जो है विजिट किया, तो ये किया है आपका श्रीलंका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेसिका अर्डन की अगर हम बात करें, तो जेसिका अर्डन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ PM ऑफ विच कंट्री। तो जेसिका अर्डन जो कहाँ की है, वो कहाँ की है, ये आपकी, ये है आपकी आपकी, इसका जो सही आंसर है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है नए PM बने, आगे क्वेश्चन में देखेंगे वो नए PM कौन बने। नेक्स्ट, इंडिया अनाउंस 100 मिलियन मालदीवियन रुपया फॉर विच प्रोजेक्ट इन मालदीव्स। ठीक है, अब ब्यास प्रोजेक्ट, इडुक्की प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और रामगंगा प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो तीन प्रोजेक्ट है ना, ये एक तरह से नदी परियोजनाएं हैं, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। तो जाहिर सी बात है जो नदियां हैं ये सब जो है, जैसे ब्यास सतलज प्रोजेक्ट है, ये इडुक्की प्रोजेक्ट पेरियार रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, ये केरला का है, और रामगंगा प्रोजेक्ट ये जो है क्या कहते हैं आपका उत्तराखंड का बना हुआ है, उत्तराखंड में है। ये सब नहर परियोजनाएं, ठीक है, जल विद्युत परियोजनाएं, नहर परियोजना, ये सब है। तो जाहिर सी बात है ये दूसरे देश में तो हो ही नहीं सकती। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, तो ये 1952 में भारत में शुरू किया गया था, और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तर्ज पर जो है मालदीव्स में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है CDP, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विच सबमरीन विल बी कमीशन बाई द इंडियन नेवी ऑन 23rd जनवरी 2023। एंड द आंसर आपको इन चारों में से बताने, INS वागीर, INS तलवार जो हो चुकी है, INS कंजर भी हो चुकी है, INS वीरा भी हो चुकी है, और बचा कौन है, INS वागीर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपका ए। इन विच स्टेट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 बिगेन। तो इंडिया इजिप्ट के बीच में, और आपको पता है इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो हमारे यहाँ 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उनका नाम क्या था। अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ, ये आयोजन जो हुआ है साइक्लोन 1 बिगेन, ये कहाँ पर शुरू हुआ है, ये आपका शुरू हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर राजस्थान होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में जो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि विच कंट्री हैज बीन टर्म्ड एज द वीकेस्ट इकोनॉमी इन साउथ एशिया बाई वर्ल्ड बैंक। भूटान, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, साउथ एशिया की बात कर रही है, न्यूजीलैंड तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब आपके बचे इंडिया। इंडिया ने भाई जर्मनी को पछाड़ दिया है, ठीक है, तो ये हम कह नहीं सकते। भूटान अभी चर्चा में था नहीं। पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान क्या बोले पाकिस्तान को, खैर इनके पास जो है क्या कहते हैं भीख मांगकर तो इनकी इकोनॉमी चल रही है, और उस पर जो है ये इंडिया को जब देखो तब तेवर दिखाते रहते हैं। एनीवे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बोलते हैं। हु विल इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड हु विल रिप्लेस जेसिंडा अर्डन। जेसिंडा अर्डन के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और मैंने उसी समय कहा था कि आगे आने वाले वाली स्लाइड में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके जो नए नए जो है क्या कहते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है क्रिस हिपकिंस। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हेन वाज नासाज जियोटेल मिशन ऑपरेशन लॉन्च्ड व्हिच एंडेड आफ्टर 30 ईयर्स।
अब जैसे अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, तो इस क्वेश्चन में सीधे 30 साल पीछे जोड़ दीजिए, तो 30 साल पीछे जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, 1992 का आ जाएगा। तो 24 जुलाई 1992 ये आपका सही आंसर रहा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन नहीं है फिलहाल जो है, कि कहते इस थर्ड वीक के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना, कल मिलते हैं स्टैटिक जीके के साथ। जी हाँ, स्टैटिक जीके के साथ मिलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना, जय हिंद।